तो ये 14th रेफरेंस, ये तो हमारे आइमा अहले सुन्नत के रेफरेंसेस थे। 15वें नंबर पे मैंने एक गैर मुस्लिम का रेफरेंस रखा है। ये कहते हैं जनाब वो यहूदो नसारा जिसकी तारीफ करें ना, वो आप समझ लें यहूदो नसारा का एजेंट है। यही बताया जाता है ना आपको हर मामले में कि जी वो कादियानियों को पनाह दी हुई है जर्मनी वालों ने, तो लिहाजा आप समझ लें कि कादियानी इस्लाम दुश्मन है। तो सर जर्मन के ही एक, जर्मनी के ही एक जो सहाफ़ी है ना, उनका मैं आपको वर्डिक्ट बताता हूँ हज़रत माविया के बारे में। ये मिस्र के एक मशहूर आलिम है मोहम्मद रशीद रेज़ा रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है तफसीर अल मिनार के अंदर, और अब ये अरब स्कॉलर है, मैं उसका तर्जमा आपको पढ़ के बता देता हूँ। कहते हैं कि जर्मनी के बाज अकाबिर प्रोफेसर्स ने उस्मानिया हुकूमत के दारुल खिलाफा में बाज अहले इस्लाम से कहा, और उनमें बाज शुरफाए मक्का भी मौजूद थे, कि हमें चाहिए कि हम अपने कैपिटल बर्लन, जो बर्लन शहर है, उसके फलां चौक में मुआविया बिन अबी सुफियान का मुजस्मा कायम करें। वो कहते हैं कि ये हज़रत मुआविया के मुजस्मे तो गैर मुस्लिम मुल्कों में लगे होने चाहिए। उनसे पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा इसलिए कि वही तो हैं जिन्होंने खिलाफत इस्लामिया का निज़ाम का रुख जमहूरियत से गलबे असबियत की तरफ मोड़ दिया, यानी ज़बरदस्ती और तासुब के ऊपर। अगर वो ना होते तो रुए ज़मीन पर इस्लाम फैल जाता और हम जर्मन और यूरोप के तमाम कबाइल अरब मुसलमान होते। वो कहते हैं ये जो हम चांद एक बच गए हैं ना, ये भी हज़रत मुआविया को दुआएं दो कि उन्होंने उस वक्त हुकूमत का निज़ाम ही बदल दिया, हमें तो चाहिए उनको अपना लीडर मान के उनके मुजस्मे लगाएं। ये मैंने वाला इसलिए रखा है 15वें नंबर पे कि हमें तो यही बचपन से बताया जाता है ना कि जिसकी यहूदो नसारा तारीफ करें ना इस हवाले से, तो वो आपको पता चल जाएगा कि इस्लाम के खिलाफ क्या। तो मैं इन चीज़ों पे कमेंट्स नहीं कर रहा, मेरा बस काम सिर्फ था कि आपको बता दूँ। बाकी ये 15 रेफरेंसेस थे, और आखिर में मेरा अपना रेफरेंस भी है जो मैं बयान कर दूँ, वो 5B रिसर्च पेपर है, वाक़या करबला का हकीकी पस मंज़र 72 सही इस्नाद अहादीस की रोशनी में। ये 72 का टाइटल तो शुहदाए करबला की नस्बत से अहादीस 200 से ज़्यादा हैं, अक्सर बुखारी और मुस्लिम से हैं। ये अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हमारी वेबसाइट अहले सुन्नत पाक .com से रिसर्च पेपर्स वाले पोर्शन में जाके 5B रिसर्च पेपर मुफ्त डाउनलोड करें। इसमें अक्सर अहादीस बुखारी मुस्लिम से हैं, अदर देन बुखारी मुस्लिम के ऊपर मैंने दौरे हाजिर के जो बड़े मुहक्किकीन हैं अस्माउ रिजाल की फील्ड के, शेख अल्बानी हों, शेख ज़ुबैर लिज़ई हों, शेख शुएब अरनाउत हों रहिमहुल्लाह अजमईन, और बाकी जो हैं मुहद्दिसीन उनके बकायदा तहकीम लगाई है। इसमें कोई एक हदीस भी ऐसी नहीं है जिसे किसी ना किसी मुहद्दिस ने सही ना कहा हो, किसी ने ज़रूर उसको सही कहा होगा। सब की सब मैंने एक जगह अल्हम्दुलिल्लाह जमा की हैं, और इसमें मेनली मैंने 6 टॉपिक कवर किए हैं, वो मैं आपको सिर्फ उनके उनवान बता देता हूँ। पहला टॉपिक है मनहज नबी पर कायम खिलाफत राशदा की सही मुद्दत कितनी थी, और खिलाफत राशदा के अहल हकीकी खुलफा राशदीन कौन। उसके बाद दूसरा इसका टॉपिक जो है वो है खलीफा राशिद से बगावत बिदत है, जंग जमल सिफीन और नहरवान में सैयदना अली की हकानियत और शहादत सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तीसरा टॉपिक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से एक महीना कबल मुस्तकबिल में होने वाले हुकूमती बिगाड़ से मुतल्लिक गैबी खबरें दे दी थीं। चौथा टॉपिक है चौथे खलीफा राशिद सैयदना अली के फजाइल का बयान और उन पर मेंबरों से लानत करने की बिदत कब और किसने ईजाद की। उसके बाद फिर पाँचवा टॉपिक है हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुकूमत मिल जाने के बाद से बतदरीज उम्मत पर कैसी मलूकियत मुसल्लत हुई और उसका भयानक नतीजा क्या निकला। और फिर छठा टॉपिक है सैयदना हुसैन के फजाइल का बयान और यजीद इब्ने मुआविया की मलूकियत में उसके गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के ज़रिए मज़लूमाना शहादत। तो ये सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं, और ये रिसर्च पेपर आप फ्री डाउनलोड करें। अगर हार्ड कॉपी मंगवानी है तो ये रिसर्च पेपर और 8 रिसर्च पेपर और हैं, टोटल 9 और 3 अजकार कार्ड, 12 का पैकेज सिर्फ 300 रुपये में आप TCS आम डाकनी TCS के जरिए अपने घर मंगवा सकते हैं। सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं हमारी एकेडमी में, +92 के कोड के साथ,
और पाकिस्तान में करेंगे तो 03215900162 हमारी अकेडमी का नंबर है। बाज़ूकात बिजी भी मिलता है, ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही होती हैं और आपको ये लग रहा होता है बेल जा रही हो, बेल जा नहीं रही होती, वो सुनने के दौरान दूसरी बेल आ रही होती है, लिहाजा नाराज़ ना हुआ करें। नमाजों का वक्फा भी होता है, वहाँ पे आप कॉल करें सुबह 9 से लेकर 5 बजे तक, आप ये रिसर्च पेपर फ्री इस एतबार से घर मंगवा सकते हैं कि TCS का खर्चा ही 300 से ज़्यादा है। हम आपको 300 में ये सारा 12 का पैकेज आपके घर में भेजेंगे, और जो हमारी अकेडमी में आते हैं जब अकेडमी इंशाल्लाह खुलेगी तो यहाँ तो एक सेट तमाम रिसर्च पेपर्स का आपको फ्री सबको मिलता है। तो ये मेरी मारूजात थी कुछ इस हवाले से जो मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है जो हक बात मैंने की अल्लाह ताला हमारे दिलों में रास्ते फरमाए, और अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से ही माफ़ कर दे। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।